ये पूरा जितना भी डाउट है ना इसमें पब्लिक सर्वेंट का, ये सारे डाउट्स क्लियर करेगा। पहला जो कैटेगरी आता है, एवरी पर्सन हु होल्ड्स एनी ऑफिस, ठीक है, बाय वर्चू जो भी है, बाय बाबा ब्ला 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 छोड़ दीजिए। नंबर टू कैटेगरी दूसरा होता है जिसको कहते हैं एवरी ऑफिसर ऑफ दी, डायरेक्ट जोड़ के बोल दिया गवर्नमेंट, ठीक है, हुज ड्यूटी, यहां पर बोलता है ड्यूटी, हुज ड्यूटी इट इज, ऐसे शब्द मिलेंगे आपको। थर्ड कैटेगरी, थर्ड कैटेगरी, सॉरी, एवरी ऑफिसर, आप लोग भी सोचना कि क्या होगा मीनिंग, थोड़ा सोचोगे तो फिर आप लोग को लगेगा कि हाँ मैं सही सोचता हूं, सही सोचती हूं, जो भी है। एवरी ऑफिसर हुज ड्यूटी इट इज, एज जो भी है छोड़ दीजिए। फोर्थ कैटेगरी, ओके आगे चलिए। एवरी ऑफिसर हुज ड्यूटी इज, यहां आ गया, एवरी ऑफिसर हुज ड्यूटी इट इज। नाउ होल्ड्स वाला भी हम लोगों ने लिख लिया है, होल्ड्स भी लिख दिया है, ओके। लास्ट में कहता है एवरी पर्सन इन दी सर्विस और पे ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। अब इसको चेक कीजिए, ये सब मैं एकदम बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ बता रहा हूँ, आप भी खुद से कर सकते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है। सीख जाएंगे तो किसी भी एक्ट को आप डिकोड कर सकते हैं, डिकोड, यू कैन डिकोड एनी एक्ट, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। कुछ सीखो नहीं सीखो, डिकोड करना सीखिए, ये जरूरी है, क्योंकि आप जज बन जाओ, प्रैक्टिस करो, डिकोड कर ले किसी सेक्शन को आपने, समझिए कि आप बहुत कुछ जानते हैं, बहुत कुछ जानते हैं। देखिए यहाँ से पकड़ा हम लोगों ने, एवरी पर्सन हु होल्ड्स एनी ऑफिस बाई वर्चू ऑफ सो एंड सो, तो होल्ड्स एनी ऑफिस यहां तक को ले लिया, तो एक कैटेगरी निकाली यहां से। फिर देखिए एवरी ऑफिसर, यहाँ पर्सन था यहाँ ऑफिसर है, एवरी पर्सन ऑफ द गवर्नमेंट डायरेक्ट पकड़ लिया, कुछ ड्यूटी इट इज, ये हो गया हमारा दूसरा कैटेगरी। एवरी ऑफिसर कुछ ड्यूटी इट इज एज सच ऑफिसर, तो ये भी आप ले सकते हैं, एवरी ऑफिसर हुज ड्यूटी इट इज एज सच ऑफिसर। तो ऐसे कर करके हम लोगों ने क्या किया है, एवरी ऑफिसर यहाँ सेम है, एवरी ऑफिसर हुज ड्यूटी इट इज एज सच ऑफिसर, तो ये थर्ड कैटेगरी हो गई। ये सारी कैटेगरी हम लोगों ने यहाँ पर देखी, चार कैटेगरी है, चारों कैटेगरी हमने यहाँ से ले ली, तो ये हमारा, ये तो नहीं लेंगे, छोड़ देंगे। एवरी ऑफ पर्सन हु होल्ड्स एनी ऑफिस इन वर्च्यू ऑफ, तो यहाँ पर होल्ड्स एनी पर्सन, तो यहाँ पर पहले ही रखा है होल्ड्स एनी ऑफिस, ठीक है। नाउ उसके बाद लास्ट में एवरी पर्सन, तो यहां पर भी होल्ड करवा रहा था और यहां पर भी होल्ड करवा रहा है, तो ये हम नहीं लेंगे, ये किसके सिमिलर है, ये इसके सिमिलर है, सेवेंथ के ऑलमोस्ट, और लास्ट में एवरी पर्सन। तो अब इसी में सब कुछ है, यानी कि बेसिकली अगर आप ध्यान से समझोगे, जो तकलीफ देगा या जो आपको प्रॉब्लम करेगा या जो कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, यही चार टर्म्स के अंदर कंफ्यूजन होगा। अब जरा एक एक करके आप लोग खुद से थोड़ा कोशिश कीजिए समझने की और बताने की क्या है। यहाँ कहता है एवरी पर्सन हु होल्ड्स एनी ऑफिस सो एंड सो, व्हाट इट मींस, इसका मतलब क्या समझना चाहिए, एनीबॉडी कैन ट्राई, जल्दी से ट्राई कर सकते हैं। एवरी पर्सन हु होल्ड्स एनी ऑफिस बाय वर्चू ऑफ सो एंड सो, इसका मतलब क्या हो, सर, बताइए। इसमें तो कोई भी पर्सन हो सकता है जो कोई ऑफिस होल्ड कर रहा है। Who holds any office? अब यहां ऑफिस का मतलब क्या समझना चाहिए? Who holds यस सर, any office? ऑफिस का मतलब मैंने पहले कहा है पोस्ट, डिजिग्नेशन, पद, जो भी आप हिंदी इंग्लिश समझते हैं, हाँ या ना? तो यहां पर देखिए कुछ लिखा नहीं है, मतलब फर्क समझिए, एवरी ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट, एवरी पर्सन हु होल्ड्स एनी ऑफिस, फर्क समझना है,
एवरी पर्सन हु होल्ड्स एनी ऑफिस, एवरी पर्सन हु होल्ड्स एनी ऑफिस, वन मोर टाइम, एवरी पर्सन हु होल्ड्स एनी ऑफिस, हर एक व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति जो कोई पोस्ट होल्ड करता है, बस पोस्ट होल्ड करता है, ये नहीं कह रहा है कि गवर्नमेंट में होल्ड कर रहा है कि प्राइवेट में होल्ड कर रहा है, यूएनओ में होल्ड कर रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में होल्ड कर रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट में होल्ड कर रहा है, ऐसा लिखा है कहीं? नहीं लिखा है, लेकिन कह रहा है कि कोई भी व्यक्ति जो पोस्ट होल्ड करता है, चाहे कहीं से भी होल्ड करता हो, लेकिन उसको इंपावर, अब बताइए पोस्ट कैसे होल्ड करेगा? आपने सीआरपीसी पढ़ रखी है? ध्यान से सबने पढ़ रखी है? पढ़ रखी है? आप में से किसी ने बताया भी था? बहुत अच्छा आंसर था। इन्वेस्टिगेशन का डेफिनेशन आप में से किसी ने बताया था? याद है आप में से किसी को? इन्वेस्टिगेशन का डेफिनेशन में क्या कहता है? इन्वेस्टिगेशन का डेफिनेशन याद है? सीआरपीसी जी जी सर, 2H में दे रखा है सर, वो पुलिस अधिकारी के द्वारा या प्राधिकृत किसी न्यायालय के द्वारा, प्राधिकृत किसी व्यक्ति के द्वारा किया किसी जाता है व्यक्ति के द्वारा। तो अब जी। देखिए इन्वेस्टिगेशन कोई भी कर सकता है जिसको न्यायालय दे देगा, तो अथॉरिटी देने का मतलब न्यायालय ने उसको कहा कि भैया तू अब आज से इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के पद पर चला गया, मतलब तू आईओ हो गया। ये भी निकालना पड़ेगा, सीआरपीसी है अपने पास, कोई टेंशन की बात नहीं है, सामने ही है, बस स्क्रॉल कर लें इसको थोड़ा सा, बहुत आराम से समझना, यही सब बारीकियां हैं और कुछ नहीं बारीकियां है। कहाँ गया इन्वेस्टिगेशन? इन्वेस्टिगेशन ये रहा। इंक्लूड्स ऑल दी प्रोसीडिंग्स अंडर दिस कोड फॉर द कलेक्शन ऑफ एविडेंस कंडक्टेड बाय हुम? कंडक्टेड बाय ए पुलिस ऑफिसर, नंबर वन, और बाय एनी पर्सन अदर देन अ मजिस्ट्रेट हु इज ऑथोराइज्ड बाय ए मजिस्ट्रेट इन दिस बिहाफ। व्हाट इट मींस? बाय एनी पर्सन, बाय एनी पर्सन, मजिस्ट्रेट नहीं होगा, चलो ठीक है मजिस्ट्रेट को छोड़ दिया, एनी पर्सन कोई भी हो सकता है, वो पुलिस वाला नहीं है, राइट, अंडरस्टैंड इट, पुलिस वाला नहीं है, एनी पर्सन बोलने का मतलब है कोई भी है, बट वो पुलिस वाला भी नहीं है, मजिस्ट्रेट भी नहीं है, जिसको कि अपॉइंट ऑथोराइज किया जा सकता है। तो अगर मैं उसको बोलूंगा, कोई कोई भी दूसरा तीसरा पर्सन है जो पुलिस वाला नहीं है, मजिस्ट्रेट नहीं है, उसको कहोगे भैया तुम जाके इन्वेस्टिगेशन करके आओ, तो बोलेगा ना जी मैं किस हैसियत से जाऊंगा इन्वेस्टिगेशन करने के लिए? हाँ या ना? हाँ या ना? किस जी हैसियत से जाओगे आप? आईओ बनोगे तभी ना जाओगे, आईओ बनोगे तभी तो आप जाओगे, होल्ड्स एन ऑफिस। अच्छा आपने कभी सुना है सरकार के तरफ से वकील अपॉइंट होते हैं, हाँ या ना? सर, सरकार यानी केंद्र सरकार, राज्य सरकार अपने तरफ से फ्री वकील को, फ्री वकील समझते हैं, फ्री वकील पैसे वाले नहीं बात कर रहा हूं, मतलब वैसे लॉयर जो किसी भी सरकारी पोस्ट को होल्ड नहीं करता है, अपनी सेवाएं सीधे सीधे तौर पर सरकार को नहीं देता है, जैसे कपिल सिब्बल आज के डेट में है, वो कोई सरकारी नौकरी होल्ड नहीं करते हैं, लेकिन हर एक सरकार उनको उठा के लेके जाती है, अभी तमिलनाडु की सरकार उठा के ले गई, बोले तुम हमारे तरफ का पक्ष रखो, तो भाई किस हैसियत से रख रहे हैं? वकील और मुवक्किल की हैसियत से रख रहे हैं, तो एक तरीके से क्या दे दिया उसको, एक पोस्ट दे दिया, हालांकि वो सरकारी पद नहीं है, बस एक डिजिग्नेशन दे दी। अब सिंपल यहां पर भाषा समझने की बात कीजिए, तो यहां पर भाषा क्या कह रही है, भैया एनी पर्सन, तो उसको हमने क्या कर दिया, कोई नाम दे दिया, सो एवरी पर्सन हु होल्ड्स एनी ऑफिस, कोई भी वो पद धारण करता है, हर एक व्यक्ति जो पद धारण करता है, उसके आगे कहता है कि बाय वर्चू ऑफ सो एंड सो वो कोई काम करता है, तो उस पद की भूमिका ऐसी है, उस पोस्ट की भूमिका ऐसी है, उस पोस्ट का या उस ऑफिस का काम ऐसा है, उस काम की वजह से तुमको हमने क्या बोल दिया, पब्लिक सर्वेंट बोल दिया, उसके काम की वजह से क्या तुमको बोल दिया, पब्लिक सर्वेंट बोल दिया, यही तो कह रहा है। उसी तरीके से यहां पर क्या आ गया, एवरी ऑफिसर, यहां पर ऑफिसर लगा दिया, ऑफिसर किसको बोलते हैं, ऑफिसर किसको बोलते हैं, जरा प्रैक्टिकल में बात करें, प्योर हार्डकोर प्रैक्टिकल, ऑफिसर किसको बोलते हैं, ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट, हु कैन बी ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट, एकदम एग्जांपल दीजिए, गलत होगा देखा जाएगा, एकदम रैंडम, एकदम रॉ रॉ मटेरियल वाला एग्जांपल, हु कैन बी ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट, सर जो गवर्नमेंट के दिन कोई पोस्ट होल्ड कर रहा है जैसे एग्जाम्पल के तौर पर एग्जाम्पल दीजिए, सर, कोई भी आदमी, कोई भी मतलब हाँ आ सकता है सर, हाँ इसमें तो कोई भी पोस्ट आ सकता है सर। कोई भी पोस्ट आ सकता है, तो चपरासी भी तो एक पोस्ट है, तो वो भी ऑफिसर है, यस सर, चपरासी ऑफिसर हो जाएगा, बताइए
इसलिए तो बोला एकदम रॉ मटेरियल बताइए, रॉ मटेरियल एग्जांपल चाहिए मेरे को भाई। ऑफिसर को अगर मानते हैं कि पोस्ट है, डिजिग्नेशन है, तो उसको चपरासी को हम बोल सकते हैं कि वो पब्लिक सर्वेंट है फिर। सर वो गवर्नमेंट के अधीन तो नहीं ना कर रहा पोस्ट होल्ड? क्यों, तो गवर्नमेंट ही तो उसको अपॉइंट करती है, चपरासी की भी तो वैकेंसी निकलती है। सर SHO वगैरह अच्छा वो रेलवे की बात करते हैं, रेलवे डिपार्टमेंट, उसमें क्या होते हैं वो गैंगमैन, खलासी, रेलवे ड्राइवर, ये सर तो ये सब ये सब ऑफिसर तो आ हैं, जाएंगे सर ये ऑफिसर हो जाएंगे। सर आने चाहिए क्यों आने चाहिए भाई, क्यों सर, आने? वो हाँ? पब्लिक सर्वेंट है, ऑफिसर नहीं है सर वो। क्या नहीं है? आपकी ऑफिसर नहीं है सर वो, आवाज कट जाती है बीच में जो, क्या बोल रहे थे? आराम से ऑफिसर बोलिए। सर वो पब्लिक सर्वेंट है लेकिन ये ना हवा बहुत आ रही है इनके, मतलब बहुत नॉइज आ जाता है। बोलना कुछ चाहते हैं अच्छे से लेकिन किल नहीं। एक काम कीजिए, नहीं तो आप जिससे भी मोबाइल या डिवाइस या जो भी स्पीकर, उस पर एक कपड़ा रख के बात करिए तो अच्छे से आवाज आएगी, फिल्टर हो जाएगी वॉइस आपकी। खाली डिस्टरबेंस हो रही है। अच्छा और कोई? एवरी ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट, किसको बोलेंगे ऑफिसर? अगर वो चपरासी अगर ऑफिसर है तो फिर सेक्रेटरी क्या है? सर वो भी ऑफिसर है। वेरी गुड। तो एक माली का पोस्ट होता है हाई कोर्ट से, बहुत वो निकलता है माली, गार्डनर, वो क्या होगा? वो भी ऑफिसर है? नहीं सर वो क्यों नहीं है भाई? उसको तो नहीं मानेंगे, क्यों नहीं मानेंगे? जबरदस्ती, वो छोटा काम है, नहीं उसकी वजह से नहीं सर, अब पता नहीं सर उसकी वजह से तो इसी जनता। बात को तो लेकर के सर कंफ्यूजन हो रहा है ये 4 लाइन में। तो इसीलिए तो कन्फ्यूजन के पॉइंट्स को ही क्लियर कर रहे हैं ना, कि भाई वो कैसे ऑफिसर है, वो कैसे ऑफिसर नहीं है। देखिए कुछ नहीं है, टेंशन नहीं लेना है। क्या बोला यहाँ पर? यहाँ कहता है एवरी ऑफिसर, यहाँ देखिए ऑफिस लिखा है और यहाँ ऑफिसर लिखा है, फर्क समझना। फर्स्ट वाले में लिखा है हु होल्ड्स एनी ऑफिस, ये पद धारण करता है, ये पोस्ट रखता है, ये ऑफिसर। ऑफिसर में मैंने बताया कि जो ऑफिस होल्ड करता है, होल्ड करने का मतलब ये ऑफिसर, ये दोनों फिर सेम हो जाएगा, तो फिर सेम वन और टू तो सेम नहीं हो सकते ना। आप एक तरफ कहते हो एवरी पर्सन हु होल्ड्स एनी ऑफिस, और टू में भी कहते हो एवरी ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, मतलब ये होल्ड करता हो, ऐसा तो नहीं होगा। इसको आप ऐसे समझिए, यहां पर कहता है कि हर एक ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट, बोलते हम लोग बोलते हैं पुलिस ऑफिसर, तो कॉन्स्टेबल इज ए पुलिस ऑफिसर, यस और नो? कॉन्स्टेबल इज ए पुलिस ऑफिसर, हाँ या ना? एसीपी इज ए पुलिस ऑफिसर, हाँ या ना? डीजीपी इज ए पुलिस ऑफिसर, हाँ या ना? क्यों भाई उसको सैल्यूट मारते हैं? कॉन्स्टेबल को कोई सैल्यूट नहीं मारता, इसीलिए। बहुत सही बात है, ध्यान से समझिए एक बात, जिनका भी ऑडियो ऑन है ना थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है? ये सब रिकॉर्ड हो जाएगा बाद में, अगर आप लोग कभी सुनने की कोशिश करोगे तो सेफ छे फ्यू जो भी आवाज आती है ना, अनवांटेड नॉइज, वो सब रिकॉर्ड रहेगी, फिर आप ही को दिक्कत होगी, बोलेगा सर ये तो। और हम लोग तो रॉ दे देते हैं पूरा, उसमें कोई एडिट वेडिट नहीं करते, एकदम डिट्टो कॉपी पेस्ट। सो नाउ एवरी ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट, देखिए ऑफिसर शब्द का मतलब हो गया डिजिग्नेटेड ऑफिसर, ध्यान से समझिएगा बात, डिजिग्नेटेड ऑफिसर यानी जिसको हमने डिजिग्नेट कर दिया है, सरकार जिसको कहती है पदाधिकारी, जो किसी पद को धारण करने का होता है अधिकारी, उसको बोलते हैं पदाधिकारी। एक टर्म होता है हिंदी में पदाधिकारी, एक होता है सिर्फ अधिकारी, एक होता है अधिकारी और एक होता है पदाधिकारी। अब इसमें फर्क क्या होता है, कभी सुना है, सोचा है, कोशिश किया है सोचने के लिए? दोनों तो सेम है सर, एक अधिकारी, अधिकारी और पदाधिकारी में बहुत फर्क होता है, ध्यान से समझिएगा। अधिकारी कोई भी हो सकता है, अधिकारी को आप ए आर भी बोल सकते हैं, ए आर समझते हैं, ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव, मतलब कोई भी पर्सन अगर कोर्ट में आके कहता है कि आई एम दी ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सो एंड सो डिपार्टमेंट, तो कहा जाएगा कि वो बंदा कहाँ का अधिकारी है, उस डिपार्टमेंट का अधिकारी है, उस डिपार्टमेंट में से बिलोंग करता है, उस डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ है, उसको आप बोल दो ऑफिसर, वो अधिकारी है, वो अधिकारी है।
और एक होता है पदाधिकारी, मतलब पद को धारण करने का अधिकारी। हिंदी में भी बता रहा हूँ, इंग्लिश में बता रहा हूँ, मतलब उसको डेजिग्नेटेड कुर्सी ही मिली हुई है, उसको वो पोस्ट ही मिला, उसके कुर्सी पर कोई दूसरा बैठ ही नहीं सकता। जैसे डीएम का कुर्सी पदाधिकारी, उसके नीचे के एसडीएम पदाधिकारी, ये पदाधिकारी बोलते हैं। आप बहुत बार देखते होंगे जब आप पेपर वगैरह पढ़ते होंगे, न्यूज़पेपर अखबार, तो उसमें लिखा होगा कि ऐसा लिखा रहता है, भारतीय प्रशासनिक सेवा के 28 पदाधिकारियों का स्थानांतरण, तबादला। तो ये भारतीय प्रशासनिक सेवा के 28 पदाधिकारियों का तबादला। तो पदाधिकारी का मतलब क्या हो गया, वो किसी पद, सब भारतीय प्रशासनिक सेवा के थे, सब आईएएस थे। तो कोई डीएम हो सकता है, कोई कहीं सेक्रेटरी बना हुआ था, कोई मैनेजिंग डायरेक्टर था, तो वो उस कुर्सी पर बैठा। जिस कुर्सी पर वो बैठेगा उस कुर्सी पर कोई दूसरा नहीं बैठ सकता है। आप हैं पदाधिकारी, आप क्या हैं, आप पदाधिकारी हैं, आपकी कुर्सी पर सिर्फ आप ही बैठ सकते हैं, आपके बराबर के लोग बैठ सकते हैं, आपसे नीचे वाला गलती से नहीं बैठ सकता है। समझिए फर्क को, अधिकारी मे बी एनी वन, बट अधिकारी कोई भी हो सकता है, कोई रिप्रेजेंटेटिव, ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव होगा वो भी अधिकारी है, और पदाधिकारी तो होता है डिजिग्नेटेड, कि जिसको हमने डिजिग्नेट कर दिया कि यही वो पर्सन है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, एवरी ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, एक सेकंड होल्ड करना, एवरी ऑफिसर ऑफ द कोर्ट क्या है, वही है पदाधिकारी का मतलब, कि जिसको डिजिग्नेट करके छोड़ दिया गया कि हाँ ये पद धारण करेगा, वो जो उसके लायक होगा। तभी ना मैं क्या होता है, रिट जब फाइल करते हैं तो होता है एक रिट होता है, कौन सा होता है रिट बता सकते हैं, पदाधिकारियों वाला। सर अधिकार परीक्षा रिट। बस आप ये कैसे होल्ड कर रहे हो, हाउ यू कैन होल्ड दिस पोस्ट, मतलब सीधी सी बात आ गई, पद धारण करने वाला। और सरकार ने कहा, यहां पर क्या लिखा, एवरी ऑफिसर ऑफ दी गवर्नमेंट, सरकार। अब गवर्नमेंट का डेफिनेशन कहाँ दिया है, सेक्शन 17 में, सेक्शन 17 में दिया है, सेक्शन 17, और इसका मतलब होता है सेंट्रल गवर्नमेंट, और यहाँ होता है स्टेट गवर्नमेंट। तो अगर कोई राज्य सरकार का कोई भी पदाधिकारी है, यानी राज्य सरकार ने एक पद डिजिग्नेट कर दिया है, इस डीएम, राज्य सरकार ने एक पद, एक ऑफिस बना करके दे दिया है, क्या बोले सीओ, एसडीओ, इस तरह का, एसएचओ, इस तरह का एक पद बना दिया है, पोस्ट बना दिया है, तो उस पर जो बैठा हुआ पर्सन है उसको बोलते हैं ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट, उस पर्टिकुलर। तो एवरी ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट, अब इसमें यहाँ ड्यूटी बताई, तो हर एक ऑफिसर तो सब तो ऑफिसर ही है, एसडीएम इज ए ऑफिसर, एसएचओ इज ए ऑफिसर, एसपी इज ए ऑफिसर, डीएसपी इज ए ऑफिसर, सब तो वही है। लेकिन यहां पर क्लियर कहता है कि अगर उसका ड्यूटी सो एंड सो होगा तो उसको पब्लिक सर्वेंट कहेंगे, अगर उसका ड्यूटी सो एंड सो नहीं होगा तो नहीं होगा, सीधी सी बात कह रहा है। और ये हमने कहां से उठाया था, 8th नंबर क्लॉज से उठाया था, देखिए यहां से उठाया था, एवरी ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट हुज ड्यूटी इट इज एज सच ऑफिसर टू प्रिवेंट ऑफेंसेस। तो हर एक वो ऑफिसर जिसको कि पद मिला हुआ है, डिजिग्नेटेड पोस्ट है, और उसका ड्यूटी है किसी अपराध को रोकना, प्रिवेंट करना, जिसका ड्यूटी है टू गिव इंफॉर्मेशन, उसको सिर्फ इंफॉर्मेशन देने के लिए ही पद बनाया गया है, कॉन्स्टेबल नहीं। यहां पर मैं ये नहीं कर रहा हूं सिर्फ कॉन्स्टेबल, अगर कॉन्स्टेबल की ड्यूटी है टू गिव इंफॉर्मेशन ऑफ ऑफेंसेस तो ठीक है, लेकिन एक पीआरओ होता है, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, उसको इस तरह का इंफॉर्मेशन देने के लिए बनाया गया है। हेडक्वार्टर होता है, पुलिस हेडक्वार्टर, पुलिस मुख्यालय, वहां पर जैसे कि पब्लिक ने फोन किया कि सर हमारे साथ ये हो रहा है, कुछ लोग आके कर रहे हैं गुंडागर्दी, अब वो इंफॉर्मेशन आगे पहुंचाना है, टू गिव इंफॉर्मेशन ऑफ ऑफेंसेज। अब वहां जो लड़की फोन रिसीव करती है, जैसे हम लोग 100 नंबर पे कॉल करते हैं, हमारे यहाँ 112 नंबर होता है, जो कभी बिहार एग्जाम देने आना 112 नंबर याद रखना, सो 112। अब 112 नंबर पे आपने कॉल कर दिया, सामने से कॉल कहाँ जा रही है, वहां जो महिला या आदमी जो भी बैठा है वो रिसीव कर रहा है, देन ही इज ए ड्यूटी, उसको ड्यूटी है टू गिव इंफॉर्मेशन ऑफ ऑफेंसेज आगे बढ़ाने की। उसके अलावा गांव में होता है कोतवाल, कोतवाल एक पोस्ट होती है, गांव के अंदर कुछ भी घटना घटेगी उसकी ड्यूटी होती है कि वो इंफॉर्मेशन देगा, किसी भी कॉग्निजिबल ऑफेंस की सूचना जाकर के नियरेस्ट थाने को, जिस थाने के अंदर वो काम कर रहा है उसको जाके देगा। तो यहां पर क्या हो गया, कोतवाल एक पोस्ट हो गया, और वो सरकारी पोस्ट होता है। सो एवरी ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट, आगे उसकी ड्यूटी ब्ला ब्ला ब्ला, याद रखिएगा पदाधिकारी, सरकार का पदाधिकारी, यानी उसको बोलते सरकारी अधिकारी, सिंपल वो दी सरकारी अधिकारी, यहां पर लगा दे गवर्नमेंट, तो सरकार के तरफ से डिजिग्नेटेड एक पोस्ट होगी, उस पोस्ट को होल्ड करने वाला है कोई पर्सन होगा, और वो ही उस पोस्ट को होल्ड कर सकता है, कोई दूसरा नहीं। क्लियर, तीसरे पे आइए,
एवरी ऑफिसर हुज ड्यूटी इट इज, यहां पर क्या लिखा, एवरी ऑफिसर, सिर्फ यहां भी ऑफिसर लिखा है, और यहां पर लिखा था हर एक पर्सन, तो यहां पर पर्सन है, यहां पर ऑफिसर है, सो एवरी पर्सन एवरी ऑफिसर, दोनों में फिर फर्क हो गया। सो एवरी ऑफिसर, अब यहां पर पहले डिल क्लियर कर दिया कि हर एक ऑफिसर, चाहे वो गवर्नमेंट का हो कि नहीं उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहां बोल दिया एवरी ऑफिसर। अभी पहले क्या बताया, दो नंबर में, टू नंबर में क्या बताया, एवरी ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट, थर्ड में क्या बोल रहा हूं, एवरी ऑफिसर हुज ड्यूटी इट इज, तो सिर्फ ऑफिसर ऑफिसर ऑफिसर, यानी कोई भी ऑफिसर हो लेकिन उसकी ड्यूटी ऐसी होनी चाहिए, तब उस ड्यूटी के अकॉर्डिंग वो पब्लिक सर्वेंट है, एवरी ऑफिसर। फिर ऑफिसर क्या हो गया, जो सिर्फ पोस्ट होल्ड करता है, यहां पर आप लगा सकते हो, जो पोस्ट पकड़ के बैठा है, सरकारी नहीं यहां पर बोल रहा है, सरकारी होता तो पहले वहां पर उस लिख देते, मैं कॉलेज साहब लिख दिए होते एवरी ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट, यहां लिख रहे हैं सिर्फ एवरी ऑफिसर, एवरी ऑफिसर में तो सभी सर लोग यहाँ होंगे भी तो डेजिग्नेटेड है ना सर पोस्ट, क्या मैडम, फिर से रिपीट कीजिए। सर यहाँ भी एवरी ऑफिसर, इसका मतलब वो पोस्ट डेजिग्नेटेड होगा ना सर। हाँ बिल्कुल, डेजिग्नेटेड रहेगा, जिसकी ड्यूटी है, जिसकी ड्यूटी है डेजिग्नेटेड रहेगा, उसकी ड्यूटी होगी ये काम करने की, हर एक वो पर्सन। देखिए यहां पर अधिकारी होगा, सिंपल हिंदी में समझेंगे तो ज्यादा समझेंगे, यहाँ पदाधिकारी होगा, हिंदी सर उदाहरण, क्यों सर, अभी तो आपने बोला यहाँ बिल्कुल ऑफिसर बिल्कुल मतलब पदाधिकारी, बिल्कुल। अच्छा पूरी लाइन तो पढ़िए, यहाँ तो पूरी लाइन पढ़िए, तो एवरी ऑफिसर हुज ड्यूटी इट इज, आगे जो जो भी ब्ला 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 ड्यूटी है, तो ये आप समझिए अधिकारी क्यों कह रहा हूं, मैं बता रहा हूं अधिकारी क्यों कह रहा हूं, अधिकार इसके लिए कह रहा हूं कि जिसमें उसको कोई पर्टिकुलर, तो ये ड्यूटी कोई भी कर सकता है, उसका एक नाम दे दिया बट कोई भी कर सकता है, यहां कह रहा है एवरी ऑफिसर, हर एक वो ऑफिसर जिसकी ड्यूटी ऐसी होगी वो ही कर सकता है, हर एक ऑफिसर, पूरी लाइन को कनेक्ट करिए, एवरी ऑफिसर हुज ड्यूटी इट इज, हर एक वो अधिकारी जिसकी ये ड्यूटी है, यानी ड्यूटी के कंटेक्स्ट में बात करें, ड्यूटी के पर्सपेक्टिव में बात करें, तो हर एक वो अधिकारी, अधिकारी का मतलब क्या हो गया, जो पोस्ट होल्ड कर रहा है, ऐसा नहीं, हर एक पर्सन जो कनेक्टेड है, जो वो काम कर सकता है, जिसको वो काम दिया गया, काम के कंटेक्स्ट से बोल रहा हूं, उसके एक्ट के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूं, जिसके ड्यूटी के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूं, कहता है कि जो ये काम करेगा, हर एक वो अधिकारी, अधिकारी किसको कहेंगे, व्हाट हु कैन बी अधिकारी और हु कैन बी पदाधिकारी, फिर जस्ट बताया अधिकारी वो पर्सन हो सकता है जिसको कि एक काम सौंप दिया जा सकता है, कोई भी, जैसे सब एग्जाम्पल देता हूँ, बहुत सिंपल एग्जाम्पल, मैं बैंकों के बड़े केस लड़े मैंने, ठीक है, अभी होता क्या है कि बैंकों के जब केस लगता है, या किसी भी डिपार्टमेंट का आप केस लेंगे, चाहे वो नगर निगम का हो, जैसे आप, हम लोग के साथ विवेक जी हैं, विवेक जी भी बहुत सारे नगर निगम का केस वगैरह लेते हैं, विकास प्राधिकार वगैरह, तो उसमें कोई भी पर्सन, जैसे विकास प्राधिकार हुआ या बैंक हो गया, तो बैंक का जो चीफ मैनेजर होगा, ये जो हेड ऑफ द बॉस जो होगा, चेयरमैन जो, या उस लेवल का जो आदमी होगा, ऑथराइज पर्सन, वो बोल देगा कि आज 100 एंड 100% कोर्ट में जाएगा, तो 100 एंड 100%, अब वहां पर पोस्ट हो सकता है उसकी चीफ मैनेजर की हो सकता है उसकी पोस्ट कैशियर की हो सकता है उसकी पोस्ट कोई और हो सकता है वो लॉ ऑफिसर हो, कोई भी हो सकता है, लेकिन उसको क्या कह दिया गया, तुम आज जाओगे कोर्ट में मैटर को देखने के लिए, तुम्हारी ड्यूटी आज कोर्ट जाने की, आज 100 एंड 100% छुट्टी पर है। अमूमन क्या होता है कि हम लोगों के, जो हमारे एक्सपीरियंस हम लोगों में आया है, कि जो किसी ब्रांच का मैनेजर होता है, वो ब्रांच मैनेजर या जिस जो बेसिकली इससे कनेक्टेड होते हैं, उसी पर्सन को भेजा जाता है, तो मान लीजिए वो ब्रांच मैनेजर की छुट्टी हो गई, या ब्रांच मैनेजर बीमार हो गया, या ब्रांच मैनेजर जो था वो मर गया, तो उसकी जगह दूसरा तीसरा तो आएगा ना, तो उसके जगह पे बोल दिया कि नहीं ये पर्सन नहीं अवेलेबल है, ये दूसरा पर्सन जाएगा, तो वो कौन है, वो भी कोई अधिकारी है, हो सकता है वो किसी और पोस्ट को होल्ड करता होगा, लेकिन उसको हमने क्या कर दिया, AR बना करके भेज दिया, ये यहाँ पर जा रहा है। सो एवरी ऑफिसर हुज ड्यूटी इट इज, अब यहाँ पर कह रहा है कि जिसकी ड्यूटी ये होगी, हर एक अधिकारी वो अधिकारी ही होगा, हर एक अधिकारी, बट वो जाके काम करेगा उस सेंस में, अभी भी कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, एक बार नहीं मैं 5 बार और बता दूंगा। नहीं सर, एवरी पर्सन हु होल्ड्स ऑफिस, इसमें तो ये बात आ गई सर, तो हाँ फिर डिफरेंस क्या रह गया एवरी ऑफिसर और एवरी पर्सन हु होल्ड्स ऑफिस? देखिए यहां पर पूरी लाइन पढ़ेंगे, एवरी पर्सन हु होल्ड्स एनी ऑफिस बाय वर्चू ऑफ, तो ये कोई पर्सन यहाँ पर ऑफिस, कोई पद होल्ड कर रहा है,
ठीक है, यहाँ पर कोई यस सर, ऑफिस, यस ये ठीक है। अब इसमें आपको जी सर, थर्ड नंबर से कनेक्ट करना है, राइट? जी सर, हाँ, तो यहाँ पर भी कोई पद धारण कर रहा हो सकता है, लेकिन कोई भी हो सकता है यहाँ पर, ये समझिए। इसमें कह रहा है कि ड्यूटी के कंटेक्स्ट में मैं बोल रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, ड्यूटी के कंटेक्स्ट में अगर बात करेंगे तो हर एक वो ऑफिसर, हर एक, यहाँ पर भी ठीक है, आपकी बात बिल्कुल सही है, दुरुस्त है। वहां पर कह रहा है हु होल्ड्स एनी ऑफिस बाय वर्च्यू ऑफ दिस, तो वहां पर कह रहा है हु होल्ड्स एनी ऑफिस बाय वर्च्यू ऑफ विच, मतलब उस पद के, पोस्ट के, उस ऑफिस की वजह से ऐसा होता है, तब वो पर्सन पब्लिक सर्वेंट है। बाय वर्च्यू ऑफ विच, इसको भी तो मिलाएंगे, बाय वर्च्यू ऑफ विच, जिसके पद की वजह से ऐसा ऐसा होता है, वो पर्सन पब्लिक सर्वेंट है। यहाँ कहता है कि हर एक अधिकारी जिसको ड्यूटी ये दी गई है, तो ड्यूटी तो मैं दे सकता हूं ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए अपना कोई मैनेजिंग डायरेक्टर है, जैसे हाउसिंग बोर्ड होता है, झारखंड स्टेट हाउसिंग बोर्ड है, तो झारखंड स्टेट हाउसिंग बोर्ड के सेक्रेटरी साहब ने ऑर्डर कर दिया कि भैया सो एंड सो क्लर्क है, हेड क्लर्क है, ये हेड क्लर्क है जो कि आज जाएगा कोर्ट में, क्योंकि बहुत सारी फाइलें इसने देखी है केस वाली, ये हेड क्लर्क ही AR बन के जाएगा कोर्ट में, ऐसा बोल दिया। तो ये जो पर्सन है, ये तो वहां का अधिकारी है ही, ये तो वहां का क्या है, ऑफिसर है, पोस्ट क्या ले रहा है, क्लर्क की, हेड क्लर्क की, अब ये AR बन के कोर्ट में चला गया। तो हर एक वो ऑफिसर जो कि ड्यूटी की वजह से, यहाँ पर कह रहा है ना, कुछ ड्यूटी इट इज, अब उसकी ड्यूटी यहाँ पर लग गई, तो ड्यूटी जो लग गई उस ड्यूटी की वजह से उसको हम क्या बोल रहे हैं, पब्लिक सर्वेंट। और लास्ट भी एक देख लीजिए, लास्ट में तो मेरे को कुछ लगता नहीं, दिमाग लगाना पड़ेगा, एवरी पर्सन इन द सर्विस और पे, तो हर एक पर्सन जो सर्विस में है, जिसको सैलरी मिलती है, कमीशन मिलता है, फीस मिलती है, वो सारी चीज तो इसमें ऑब्वियसली है। अब इसको एक बार, दो बार, तीन बार, जितनी बार पढ़ना, पढ़ लीजिए, फिर भी डाउट होगा पूछ लेना, क्योंकि ये सब एक्सक्यूज मी डाउट सर, करता है। हाँ जी बोलिए, बार नीचे स्क्रॉल कीजिएगा सर प्लीज दीजिए। सर, आई मीन सर, 1 से लेके 3rd 4th हाँ सर, देखिए, इसमें सर एक डिस्ट्रिक्ट जज सर किस वाले में आएगा सर? हाँ भाई बताइए, डिस्ट्रिक्ट जज किस वाले में आएगा, सेकंड में आएगा सर? बताइए, डिस्ट्रिक्ट जज गवर्नमेंट का होता है मैडम, सॉरी सर, सर वही मेरे को सर थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है सर। उसमें से सब हटा के दिया है मैंने, डिस्ट्रिक्ट जज के लिए अलग ही है, वहां पर थर्ड नंबर क्लॉज देखिए, एवरी जज है, फोर्थ नंबर क्लॉज देखिए, एवरी ऑफिसर ऑफ ए कोर्ट ऑफ जस्टिस है, मैं दिखाता हूँ, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ पर इसके लिए अलग जज स्पेशल कैटेगरी है मैडम, आप क्या सॉरी इसमें क्या सर, मोटा दे, सॉरी सर, सॉरी नहीं कोई सर, बात एक सर एक एग्जाम्पल दे दीजिए सर, जो आपने वो मतलब उधर जो पॉइंटर्स लिए हैं उसमें सर एक एक नहीं, एग्जाम्पल सबके दे दीजिए सर। एग्जाम्पल अभी तो सबके एग्जाम्पल ही बता रहे थे इधर से मैडम, सबके एग्जाम्पल ऐसे दिए, इसमें जो आपको डाउट लग रहा है वो बताइए ईमानदारी से, और तो ऑनेस्टी के साथ, 100% ऑनेस्टी के साथ, जिसमें भी डाउट है बताइए, और नहीं अभी थोड़ा लग रहा है तो आप पढ़ के फिर मेरे को डाउट पूछिए, कल भी मैं बता दूंगा, कोई इशू नहीं ठीक है होगा। सर, मैं पढ़ के हाँ पूछूंगी पढ़ सर। के बताइए, मटेरियल दे जी सर, देते हैं आप लोगों को, जी सर, आज समझा दिया है, बता दिया, आप एक बार रिविजन कर लीजिए, जो भी डाउट होगा पूछ लेना, लेकिन ओके किसी भी, सर, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, किसी भी पर्टिकुलर, हम लोग प्रैक्टिकल में कैसे पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे मुखिया पब्लिक सर्वेंट होता है कि नहीं, ऐसे पढ़ेंगे हम लोग, पढ़ेंगे क्या वो सरपंच होता है कि नहीं, ऐसे पढ़ेंगे। तो अगर हम किसी पर्सन को पब्लिक सर्वेंट की कैटेगरी में फॉल करते हैं, तो मैं दो तीन क्राइटेरिया पहले बता दे रहा हूँ, उसको दिमाग में रखना, अगर कहीं आपको कोई क्वेश्चन मिल जाए प्रीलिम्स का कि ये पब्लिक सर्वेंट होगा कि नहीं, तो वो उसके आंसर को पहले बारीकी से माइन्यूटली समझ लेना, जरूरी नहीं है कि जो क्वेश्चन पूछा है वो सही ही होगा, कभी कभी गड़बड़ हो जाता है, ठीक है, हर एक जुडिशियल सर्विस में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पब्लिक सर्वेंट की कैटेगरी के अलग अलग तरीके बताए, उन्होंने कैटेगरी बनाई है, यानी प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के हिसाब से पब्लिक सर्वेंट किसको कहेंगे ये अलग बात है, IPC के हिसाब से पब्लिक सर्वेंट किसको कहेंगे ये और भी अलग बात है, और उसी हिसाब से रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के हिसाब से पब्लिक सर्वेंट कौन होगा ये भी एक अलग बात है, और भी तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे बहुत सारे एक्ट हो सकते हैं, रेलवे एक्ट के हिसाब से भी हो सकते हैं, बहुत सारे एक्ट हैं, तो ये चीज समझनी है कि अगर आप किसी को कहते हो कि सर ये पब्लिक सर्वेंट है, तो पहले बारीकी से देखना है कि क्यों है, हमें यहाँ पर जो कॉन्सेंट्रेट करना है कि पब्लिक सर्वेंट है, तो वो आपको IPC के कंटेक्स्ट में बात करनी है कि IPC के हिसाब से कोई पर्सन अगर पब्लिक सर्वेंट है तो वो है तो क्यों है और किस कैटेगरी में फॉल करता है, नंबर वन। नंबर टू, आपको हर चीज IPC के कंटेक्स्ट से फिलहाल देखनी है, जिसमें आपको ये देखना है कि वो एक से अधिक कैटेगरी के अंदर फॉल कर जाएगा, आई मीन टू से एक से अधिक क्लॉज के अंदर वो पर्सन आपको पब्लिक सर्वेंट की कैटेगरी में फॉल कर जाएगा,
ठीक है, तो ये चीज पहले देख लेना उस, क्योंकि अगर ये चीज आप नहीं दिमाग में रखोगे तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगा, भयंकर वाला। तो वो कंफ्यूजन से बचने के लिए आपको मैंने पहले ही सजेशन दे दिया है, ठीक है। तो इसको एक बार गो थ्रू करिए, पढ़िए, समझिए, फिर भी डाउट हो पूछ लीजिए, कल भर इसको रखते हैं, उसके बाद इसको सर, देखिए। इसका पीडीएफ दे दीजिएगा सर। अभी वाला जो सामने था वही ना, हाँ, ये यस टेम्पररी सर। पीडीएफ बनाया, वो पीडीएफ मैं आपको दे देता हूँ, आप लोग सबको, ठीक सर है। इसमें जो क्लॉज 9 है सर और क्लॉज 12 का सब क्लॉज ए सर, सर क्या बात, इस दोनों में थोड़ा सा मतलब कंफ्यूजन रह गया है सर, मतलब वो सीएम ठीक है। को तो लेकर एक के एक सर। काम करिएगा, एक काम, मेरी मेरी मेरा थोड़ा सजेशन मानिए, 9 और 12 दोनों को, 9 को लिखिएगा अपनी कॉपी पे, नोटबुक पे, एकदम ऑनेस्टी के साथ लिख के 9 और 12 को एक बार पढ़िएगा, 1 से 2 बार पढ़िएगा। मेरे को लगता है कि 90% डाउट चला जाएगा, नहीं तो बोल दिया ज़्यादा, तो 80% डाउट तो कम से कम चला जाएगा, और 20% पक्का बचेगा। जो 20% अगर जो बचेगा, अगर सॉल्व नहीं हुआ तो मेरे से बिल्कुल पूछ लीजिएगा, मैं एकदम ओपन हूँ बताने के लिए, ठीक है। लेकिन ओके सर। लिखिएगा जरूर, भी लिखेंगे तो बहुत कुछ क्लियर होगा विद इन ए मिनट, लिखते जाओ। सर सर श्याम ने ये पूछ लिया है कि बोलिए, एमएलए में मिनिस्टर में क्या डिफरेंस है, एक तो फर्क है, पब्लिक बिल्कुल फर्क है, सर्वेंट हो दोनों जाते हैं। क्लॉज में सर, दोनों बिल्कुल फर्क क्लॉज में है, सर चीफ मिनिस्टर आया ना सर, बिल्कुल फर्क है, बिल्कुल फर्क है, दोनों क्लॉज में है, उनको लेकिन पोर्टफोलियो मिल जाता है, हाँ उसकी उनको पोर्टफोलियो पे पोर्टफोलियो सीएम, मिल जाता है सर। बिल्कुल बिल्कुल, एक चीफ मिनिस्टर है ऑफ स्टेट है, उसको एक पद मिल गया, एक पोस्ट मिल गया, उसको एक पोस्ट यस मिल सर, गया, और दूसरा की जो चीफ मिनिस्टर है वो एमएलए भी तो है, यस एक सर, एमएलए यस भी तो एमएलए की हैसियत से बात करेंगे तो अलग कहानी है, और चीफ मिनिस्टर की हैसियत से बात करेंगे तो फिर अलग कहानी है, ठीक है। तो एमएलए के पास कोई पोर्टफोलियो नहीं होता सर, बिल्कुल तो दूसरी इसलिए बात है, डिफरेंस होता है, इसलिए वो ये पब्लिक सर्वेंट होते हैं वो। एक नहीं होता है, ठीक है सर, राइट सर, बिल्कुल 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 बिल्कुल, यू आर राइट मैम। ये और सर मैम तो राइट करेगा, बोल रही है, लेकिन वो दोनों क्लॉज में फॉल कर रहे हैं ना सर, बिल्कुल करेगा करेगा, उसके नेचर ऑफ वर्क तो की वजह उनके से पास फॉलो, कोई ड्यूटी नहीं होती ना करने के लिए, ड्यूटी उनके नहीं पास, होती ना, उनके इसलिए पास फॉल नहीं करेंगे। नेचर ऑफ जॉब भी तो है, नेचर ऑफ वर्क भी देखिए, उसका सैलरी देखिए, पेमेंट देखिए, ये सारी चीजों को कंसीडर करके उस पर अप्लाई करेंगे ना। क्लॉज 9 में सर वो कौन सा पेक्यूनियरी कर रहे हैं सर वर्क? ये क्यों नहीं वर्क क्यों नहीं कर रहे हैं, अगर देखिए जो भी उसमें, फिर अभी यही बात दूर तक चली जाएगी, अभी मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, बस इतना समझिए, पिक्यूनरी वर्क का मतलब यहाँ पर क्या समझ रहे हैं, पिक्यूनरी वर्क में वर्ड में फंस रहे हैं आप, समझ रहे हैं कि पिक्यूनरी का मतलब सीधा वो पैसा निकालेंगे अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, या बिल पे साइन करेंगे, चेक पे साइन करेंगे, इस तरह का वर्क, राइट। तो अगर कोई एमएलए है, तो अब इसको सीधा मैंने तो आंसर दे दिया, अगर आप समझ रहे तो आंसर दे दिया, अगर कोई, आपको पता होगा ना कि कोई भी एमएलए अगर है, कोई भी एमएलए है, तो उसको अपने विधानसभा क्षेत्र को डेवलप करने के लिए पैसा मिलता है कि नहीं मिलता, आया ना, जी सर, मिलता है। तो पिक्यूनरी आया कि नहीं मैडम, एमएलए का ओके जॉब भी सर, तो पकड़िए, भले ही वो मिनिस्टर नहीं है, ही इज नॉट ए मिनिस्टर, बट मैं अगर एमएलए हूं तो मैं अपने एरिया का, अपने विधानसभा क्षेत्र का सड़क तो बनवा सकता हूँ ना, सड़कों पर स्ट्रीट लाइट लगवा सकता हूँ कि नहीं लगवा सकता हूँ, मेरे को जो फंड मिलता है यस 5 करोड़ 10 करोड़ चाहे 1 लाख 2 लाख व्हाट एवर इट में भी, उसमें मैं डेवलपमेंट अपने हिस्से का तो कर सकता हूँ ना, मैं पूरे हिंदुस्तान का नहीं कर सकता, मैं पूरे राज्य का नहीं कर सकता, लेकिन अपने एरिया का, अपने विधानसभा क्षेत्र का तो कर सकते हैं, आया ना, जी सर, आ गया पैसा, जी सर, तो वैसे ही है सर, सही है, उसको मैंने बोला है तो उसमें कुछ रहेगा, ऐसे ही थोड़े है, उसमें पे क्यों इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, डाउट अब क्लियर तो हो सर गया, इनके लिए फिर एक अलग से क्यों बनाया गया सर, मतलब लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट? वो अलग कहानी है, लोकायुक्त में जाएगा तो अलग कहानी है, वो अलग है, करप्शन का मामला, फिर पीसी एक्ट, वो अलग अलग है, करप्शन के भी अलग अलग लेवल है, वो बहुत अलग चीज पूछ रहे हैं, बताएंगे उसमें अलग, कभी वो करप्शन के पॉइंट पर है, अलग अलग है, एक एमपी एमएलए रेप कर देगा तब कहाँ जाएगा, कौन सा कोर्ट में जाएगा, एमपी एमएलए व्हाइट कॉलर क्राइम करेगा तब उसके लिए कौन सा मामला बनेगा, एमपी एमएलए अपनी जो नॉन संपत्ति है उसकी, जो पता हुआ संपत्ति है उससे ज्यादा उसके पास प्रॉपर्टी मिलती है, तो उसका मामला कहाँ जाएगा, ये सब डिफर करता है ना, सब्जेक्ट मैटर के ऊपर आपका कोर्ट डिफर करता है, कोर्ट का जुरिस्डिक्शन डिफर करता है, एक्ट डिफर करता है, पूरा का पूरा। एक एमपी एमएलए है, गया था दुबई, वहां से लाया 100 करोड़ का सोना लेके आया, 100 करोड़ का सोना अलाउड ही नहीं है लाने के लिए, तो वहां पर कौन सा एक्ट लग जाएगा, सोचने की चीज है, वो ये नहीं कहेगा ना कि मैं एमपी एमएलए, भैया एमपी एमएलए हो ठीक है, उसमें मना नहीं कर रहे, लेकिन अब तुम 100 करोड़ का सोना लेकर के आ रहे हो दुबई से, तो तुमने एक ऑफेंस तो किया ना वहां पर, तो उस पर क्या लगेगा, अब कौन से कोर्ट में चलेगा, फर्क समझ में आ रहा थोड़ा थोड़ा, कस्टम्स एक्ट भी तो है हमारे जी पास, सर, तो इस तरीके से अप्लाई करना है, कहीं देखिए
हॉच पॉच कहीं नहीं करना है, एकदम आराम से कूल होकर के देखिए। इतने सारे एक्ट है, देखिए एक्ट का मतलब ACT एक्ट, काम के हिसाब से अधिनियम लगता है, बस इतना समझिए। जो जैसा करेगा उस पर वैसा अधिनियम, वैसा एक्ट, वैसा स्टैट्यूट लगेगा, दैट्स इट। उसके हिसाब से कोर्ट का जुरिस्डिक्शन तय होता है। सबसे छोटी बात मैंने बता दी, अभी क्लियर है थोड़ा थोड़ा? वो पद कुछ भी हो यस सकता है, प्रधानमंत्री भी कर सकते हैं। क्यों, नरसिंह राव के ऊपर केस नहीं हुआ, इंदिरा गांधी के ऊपर सर, केस नहीं हुआ? हुआ, कोर्ट में गए कि नहीं गए दोनों? किसके ऊपर केस नहीं हुआ? वो चीज कंसीडर करनी है, वो कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा इश्यू, बताएंगे कभी और फुर्सत में, ठीक है? चलिए सर आज वाली वीडियो मिलेगी? ठीक है, आप लोग ठीक है, मैसेज कर दीजिएगा, मिल जाएगा जिसको चाहिए, ठीक है? चलिए सर ये इम्पोर्टेंट था ना सर, इसमें थोड़ा नोट नहीं हुआ सर। ठीक है, रखिए, ओके ओके, चलिए।